हाँ दोस्तों, मैं हम सूर्य है, आप देख रहे हैं बॉल क्रेजीज। पांचवा दिन शुरू हो चुका है। मॉर्निंग शो के ऑक्यूपेंसी बताने वाला हूँ। आपके चेहरे थोड़े लटके होंगे, लेकिन चेहरे को मत लटकाइए। फिल्म सलमान खान शाहरुख खान की है, ये मत भूलिएगा। और जब शाहरुख खान सलमान खान साथ में हो तो वो फिल्म कभी फ्लॉप जा ही नहीं सकती, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, ज़्यादा दिलासा नहीं दूंगा और ज़्यादा उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन उम्मीद मैं हमेशा रखता हूँ फिल्मों से। और कई फिल्में ऐसी रही जहाँ लोगों ने घुटने टेक दिए, लेकिन वहाँ पर भी मैं खड़ा था सीना तान के और वो फिल्म हिट हुई। तो याद रखिएगा कि अंत भला तो सब भला। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑक्यूपेंसी की। इससे पहले कि आगे बात करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रुकिए, वीडियो सिर्फ देखते मत रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म का जो कल का ऑक्यूपेंसी था, 16-17% तक का ऑक्यूपेंसी था सुबह का, और रिस्पॉन्स आज का जो आ रहा है ऑक्यूपेंसी का, वो 12-13% आ रहा है। 12-13% तक की ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप है, लेकिन पिछले एक घंटे की अगर बात करें तो बुक माई शो पर तकरीबन 9,500 टिकट बिके हैं, और ये 10 से 11 बजे तक के बीच के आंकड़े हैं, जिससे ये साबित तो होता है कि आज 50% का ड्रॉप नहीं आएगा जिसे कल आया था, लेकिन ड्रॉप होगा। और मैं कहीं ना कहीं मन में मेरे ये था कि कल से ज़्यादा कलेक्शंस आज होगा, आज होता भी ज़्यादा अगर छुट्टी होती तो, क्योंकि वर्किंग डे है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और हाँ, टिकट प्राइस लोअर साइड में नहीं है, टिकट प्राइस जो था पहले दिन का वही सेम प्राइस है, और वो प्राइस के वजह से जो कलेक्शंस है वो ऑक्यूपेंसी कम दिखाई जा रही है या कम नज़र आ रही, लेकिन कलेक्शंस बढ़िया आ रहे हैं, क्योंकि टिकट प्राइस जो है वो सेम लेवल का है जिस तरह संडे का था, उस तरह से आज गुरुवार का भी टिकट प्राइस है। इसलिए कलेक्शंस बेहतर आएंगे, इसकी उम्मीद रखिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और 12-13% की मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी एक वर्किंग डे के लिए, फिफ्थ डे के लिए मैं कहूँगा बुरी नहीं है। और सलमान खान के फैंस काफ़ी ज़्यादा तक मायूस है, नाराज है। मैंने पहले ही भी कह दिया था आप लोगों से दोस्तों कि, और शाहरुख खान फैंस को भी कह दिया था, मैं बार बार कहता हूँ, आपने जिस तरह से दूसरे दिन ट्रोलिंग की एक दूसरे को लेकर, उससे ज़्यादा उतना टाइम अगर आप फिल्म देखने में लगाते या फिल्म देख कर आते तो ज़्यादा फिल्म को सपोर्ट मिलता। आप अपने ही कब्र खोदने में लगे हुए ऐसा लगता है, मतलब एक दूसरे के फैंस है तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए एक दूसरे की फिल्म को। शाहरुख खान फैंस भी देखने गए, मुझे पता है टाइगर थी, सलमान खान फैंस भी देखने गए। यार लड़ाई बड़े बाद में करना यार, जब पिक्चर का टाइम चल रहा है, 1-2 दिन 2-3 दिन हो गए, तब आपको जोश दिखाना चाहिए। तो आपने सोशल मीडिया पर जो गंध फैलाई है ना, बुरा लग रहा है कहने में, लेकिन आपने जो गंध फैलाई है ना, बहुत गलत है दोस्त मेरे। और आप लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, गंध फैलाते हैं, और हम लोग जो सही से काम करते हैं, आप लोग को लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। पहले आप लोग देखो, पहले आप उंगली दिखाया ना, 3 उंगली आपकी तरफ से, पहले आप खुद को सुधारो, फिर हम जैसे यूट्यूबर्स को उंगली उठाओ, जो हम लोग इतना ऑनेस्टली कोशिश करते हैं चीज़ों को सामने लाने की, और फिल्मों को हमेशा सपोर्ट करता है। एटलीस्ट आप लोग से ज़्यादा ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, भले फैन नहीं हम लोग, लेकिन आप लोग के जितना हेटर भी नहीं हम लोग। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को किसी से गुस्सा नहीं है, किसी को गुस्सा दिलाना है, मैं साफ कहना चाहता हूँ, इफ़ यू आर फैन ऑफ एनी एक्टर, आप उसके फिल्म को जाकर देखिए, थिएटर में सपोर्ट करिए। या मैंने देखा कई सारे फैंस ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हेटर सोशल मीडिया पे क्लिप डाल दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेन फिल्म का प्लॉट डाल दे रहे हैं, मेन कैमियोज डाल दे रहे हैं। अरे यार तुम लोग, मतलब तुम लोग को अक्ल नहीं आएगी। साउथ जब रूल कर रहा था 2-3 सालों से, साउथ जब रूल कर रहा था तब तुम लोग को बहुत तब सही थे, तुम लोग तब सही थे। हाँ, शाहरुख खान 4-4 साल फिल्में नहीं आई थी, सलमान खान की लगातार फिल्में फ्लॉप हुई, तब तुम लोग ठीक थे, तब तुमको तसल्ली थी। लेकिन जब फिल्म आई, फिल्म को सपोर्ट करने का टाइम आया, तब आप लोग सोशल मीडिया पे नोटंगी कर रहे हैं। यार क्या हद है यार, फिर मेरे को सिखाते हैं लोग कि भाई सूर्या ये नहीं वो नहीं, सिखाओ मुझे, कोई गलत नहीं, जहाँ मैं गलत हूँ सिखाओ, लेकिन समझो आप, फिल्म को सपोर्ट करना टाइम है, बॉलीवुड को वापसी लाने का जब टाइम है, और बॉलीवुड को वापसी आपको पता है शाहरुख खान सलमान खान ही ला सकते हैं, उसके बावजूद अगर आप लोग आपस में भिड़ेंगे तो मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि भाई वापस से अगले साल साउथ रूल करेगा ना, तो आप लोग चुपचाप ऐसे ही सोते रहना, क्योंकि आप लोग लड़ोगे ही नहीं, लड़ने के लिए मकसद चाहिए ना, जैसे टाइगर थ्री में डालोगे, बिना मकसद के कोई कुछ नहीं करता है। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, जाइए फिल्म को देखिए, सपोर्ट करिए। तो ऑक्यूपेंसी है 12-13% की, और रिस्पांस जो है वो ठीक है,
डिसेंट है फिफ्थ डे के हिसाब से, और कल से जो कल जो ड्रॉप मिला था उस हिसाब से तो ठीक है मैं कहूँगा। और ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ा ड्रॉप मिलेगा, बट मुझे यकीन था कि उतना बड़ा नहीं मिलेगा। रिस्पांस अभी अच्छा है, देखते हैं किस तरह से दोपहर और शाम को रिस्पांस आते हैं इस फिल्म के। बहरहाल मेरी जो एक राय थी और एक ओपिनियन थी वो भी मैंने दे दी है, आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।